हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट पर। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज 22 मार्च को होना है, मगर उससे पहले ही हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को एक तगड़ा झटका लगा है। यह झटका स्टार प्लेयर सूर्य कुमार यादव ने दिया है। दरअसल चोट से जूझ रहे सूर्य कुमार यादव का अब आईपीएल के कुछ मुकाबलों से बाहर होना लगभग तय हो गया है, मगर उनके सामने पूरे आईपीएल सीजन से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य कुमार यादव का आज 19 मार्च को फिटनेस टेस्ट था। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में सूर्य आईपीएल 2024 के आधे मुकाबलों से बाहर हो सकते हैं। दरअसल सूर्य कुमार यादव का अगला फिटनेस टेस्ट कुछ दिनों के बाद होना है। उसके बाद यह तय होगा कि सूर्य अगले मैच खेल पाएंगे या नहीं। इन सबके बीच सूर्य कुमार यादव ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर इस खबर पर मुहर लगाने का काम किया है। स्काई ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक टूटे हुए दिल की एक इमोजी शेयर की है। इसके साथ उन्होंने शायद यही मैसेज दिया है कि वो फिटनेस टेस्ट में फेल होने के कारण निराश है और वो आईपीएल के कुछ मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं। अब यदि उन्हें अगला टेस्ट भी पास नहीं किया तो वे पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य ने हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत की T20 टीम की कप्तानी संभाली थी। इस दौरान उन्हें टखने में चोट लगी थी, इस कारण वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी नहीं खेल सके थे। सूर्य कुमार की स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी जर्मनी में हुई थी। ऐसे में अब उन्हें मैदान पर लौटने के लिए NCA से हरी झंडी लेनी होगी। आपको बता दें कि साल 2012 में डेब्यू करने वाले सूर्य अब तक आईपीएल के 11 सीजन खेल चुके हैं। उन्होंने इस दौरान कुल 139 मुकाबले खेले हैं। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को अपना पहला मुकाबला 24 मार्च को खेलना है। यह मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ होना है। अब दोस्तों, स्काई की सिंजरी के बारे में आपका क्या कहना है, यह आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ आईपीएल से जुड़ी हुई ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए खेल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।